नमस्कार दोस्तों, एग्रीजोन यूट्यूब में सभी का आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सुथार आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट जो कि सुपरवाइज़र के पेपर में 20 क्वेश्चन मोस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, ये 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके एनिमल हस्बेंड्री के। आप सभी ने पहले के हमारे सभी वीडियोस देखे हैं, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हम प्रयास करेंगे एलपीएम यानी एनिमल हस्बेंड्री वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई जाए, ताकि जो 20 क्वेश्चन आए हैं ये आपको 20 के 20 क्वेश्चन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलें। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री। दोस्तों अगर बात करें एनिमल हस्बेंड्री, इसकी तीन मेन ब्रांच डिवाइड की गई है। पहली में बात करते हैं अपने एलपीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसी के साथ दूसरी इसकी मुख्य शाखा रहती है वेटनरी साइंस। इसके अलावा तीसरी इसकी मुख्य शाखा है डीटी डेयरी टेक्नोलॉजी। एलपीएम के अंदर हम पशुओं के बारे में वो जानकारी प्राप्त करते हैं, भाई हमें कोई डेयरी फार्म खोलना है उसके लिए कौन सी नस्लें चाहिए, उनका प्रबंधन कैसे करना है, उनका खाना पीना रहना सहना, इसके बारे में जो भी जितनी भी जानकारी हमें मिलती है वो एलपीएम के माध्यम से हम इसमें अध्ययन करते हैं। बात रही वेटनरी साइंस की, इसके अंदर जो शल्य चिकित्सा यानी रोग संबंधी जितने भी जो भी एलपीएम के अंदर या एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पशुओं के रोग की जानकारी, उनमें लक्षण, कौन से रोग से क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी सारी जानकारी वेटनरी साइंस के माध्यम से मिलती है। और लास्ट बचता है डीटी, जिसे हम सामान्य भाषा में डेयरी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों डीटी का अध्ययन, जब हमें दूध मिल जाता है, पशुओं से दूध मिलता है, उसके बाद में उस दूध से जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, एग्जाम्पल चाहे पनीर हो, खीस हो, मिठाइयाँ हो, जो भी प्रोडक्ट्स दूध से तैयार किए जाते हैं उन सभी का अध्ययन डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले हम आज अपना बेसिक लेंगे, जिसके अंदर भारत के स्थान की बात करेंगे। चलो शुरुआत करता हूँ मैं एलपीएम की। सबसे पहले स्थिति पूछी जाती है, अभी भारत की विश्व में दुग्ध उत्पादन में कौन सी रैंक है। तो दोस्तों सभी को ज्ञात है भारत की विश्व में दूध उत्पादन में फर्स्ट रैंक है, प्रथम स्थान है। भारत दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अब दोस्तों बात करें, भारत तो विश्व में प्रथम है, अब भारत के अंदर प्रथम स्थान किसका है। भारत के अंदर फर्स्ट है अपना उत्तर प्रदेश, यूपी। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश है जो दूध उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद में अगर बात करें सेकंड स्थान की या सेकंड पोजीशन की, तो इसमें है जी अपना राजस्थान। ये क्वेश्चन राजस्थान मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से। इसके बाद में बात करते हैं अपने वूल प्रोडक्शन यानी ऊन उत्पादन। वूल प्रोडक्शन अगर बात करें इंडिया में सबसे फर्स्ट रैंक यानी प्रथम स्थान, तो भारत विश्व में भारत का प्रथम स्थान है किसमें, ऊन उत्पादन में भारत। और भारत के अंदर प्रथम स्थान है राजस्थान का। अब पूरे विश्व की 40% ऊन, पूरे विश्व की 40% ऊन भारत उत्पादित करता है, जबकि भारत की 35% ऊन राजस्थान उत्पादित करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे वर्तमान समय में 2016-17 वर्ष 2016-17 में भारत का दूध उत्पादन था 163.7 मिलियन टन। इसके बाद में फर्स्ट पोजीशन मैंने अभी बताया उत्तर प्रदेश की, सेकंड राजस्थान की। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई भारत में कौन सा राज्य है जिसमें प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता सर्वाधिक है। तो दोस्तों भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में प्रथम स्थान है जी, फर्स्ट है पंजाब, जो कि पर डे 1075 ग्राम पर व्यक्ति दुग्ध उत्पादित
करता है। यही बात करें सेकंड रैंक की, तो सेकंड पे है जी हरियाणा। हरियाणा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 950 ग्राम दुग्ध उत्पादन करता है। और तीसरा स्थान जो कि अपने लिए महत्वपूर्ण है, राजस्थान। राजस्थान में प्रति व्यक्ति 729 ग्राम पर डे पर कैपिटल मिल्क की अवेबिलिटी या जो उपलब्धता प्रति व्यक्ति मिल पाती है। दोस्तों राजस्थान के डाटा अपने एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि राजस्थान का कंपटीशन है, ये श्योर है। राजस्थान के डाटा उसे पूछने ही पूछने हैं। अब दोस्तों बात करेंगे भारत के अंदर, मैंने बताया प्रथम स्थान भारत है। अब एक क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस। दोस्तों राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है, उनकी याद में राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व में दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो वो होगा जी आपका 1 जून। 1 जून को विश्व में दूध दिवस मनाया जाता है, बल्कि भारत में 26 नवंबर को दूध दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे भारत के अंदर राजस्थान के अंदर अपने कौन से पशु की क्या सिचुएशन है, कितनी संख्या में पाया जाता है, गाय कितनी संख्या में है, भैंसे कितनी संख्या में है और अन्य कितनी संख्या में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा पशु और यहाँ पे लिखूंगा क्षेत्र, किस क्षेत्र में कौन सा पशु पाया जाता है, कम और अधिक, अधिक और कम या सबसे कम की बात करें, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे अपने गाय की। तो दोस्तों गाय अगर राजस्थान में पूछा जाए, तो राजस्थान में सर्वाधिक गाय उदयपुर में पाई जाती है, सर्वाधिक उदयपुर में, और सबसे कम पाई जाती है जी धौलपुर के अंदर। सबसे ज़्यादा उदयपुर, सबसे कम धौलपुर। अब बात करेंगे भैंस, भैंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो भैंसें हैं वो पाई जाएगी, पहले अलवर में थी लेकिन अभी जयपुर, अभी कहाँ पे है, जयपुर में। और सबसे कम जो भैंसों की संख्या है वो पाई जाएगी जी जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर। अब बात करेंगे बकरी, बकरी की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है जी बाड़मेर में, और सबसे कम पाई जाएगी धौलपुर में, ठीक है जी। उसके बाद में बात करते हैं भेड़ सर्वाधिक पाई जाएगी बाड़मेर में और सबसे कम पाई जाएगी धौलपुर में। उसके बाद में ऊंट सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे वो होंगे जी जैसलमेर में, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में बाड़मेर। तो सबसे ज़्यादा ऊंट की संख्या जैसलमेर में है और सबसे कम कहाँ पे है, धौलपुर में। उसके बाद में बात करें लास्ट पोल्ट्री या मुर्गी की, तो मुर्गी सर्वाधिक पाई जाएगी जी अजमेर में और सबसे कम पाई जाएगी जी धौलपुर में। अगर बात करें इन डाटाओं की, तो दोस्तों ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार, गाय सबसे ज़्यादा उदयपुर में, सबसे कम धौलपुर में, भैंस सबसे ज़्यादा जयपुर में, सबसे कम जैसलमेर में, बकरी सबसे ज़्यादा बाड़मेर में, सबसे कम धौलपुर में, भेड़ सबसे ज़्यादा बाड़मेर में, सबसे कम धौलपुर में, ऊँट सबसे ज़्यादा जैसलमेर में और सबसे कम है झालावाड़, ऊँट सबसे कम होंगे झालावाड़ में। और बात करें मुर्गी सबसे ज़्यादा अजमेर में और सबसे कम है धौलपुर में। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले भाई राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किस जिले में पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा अपना बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किस जिले में पाया जाता है, तो वो होगा जी बाड़मेर। और राजस्थान में सबसे कम पशुधन कहाँ पे पाया जाता है, वो होगा धौलपुर के अंदर। अगर बात करें राजस्थान की, राजस्थान ओनली बकरी की संख्या में ही प्रथम स्थान पे है पूरे भारत के अंदर, फर्स्ट किस में है, बकरी में। अगर बात करें विश्व में भारत की पोजिशन पशुओं के
तो इसके अंदर सबसे पहला स्थान रहता है जी भैंसों का। विश्व की 57% भैंसें कितनी, 57%। विश्व की 57% भैंसें भारत में होती है और भारत किस रैंक पे है, फर्स्ट रैंक पे है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं गाय, विश्व की 17% गाय कहाँ पे पाई जाती है, भारत में, और भारत की रैंक है जी विश्व में सेकंड। इसके बाद में दूसरी रैंक पे एक और पशु है, वो है आपका बकरी। विश्व की 31% बकरियां पाई जाती है, वो कहाँ पे, भारत के अंदर। और चौथी पोजीशन रहती है, इसके अंदर बात करें तो विश्व में तीसरा स्थान है भेड़ की संख्या में, किसका, भारत का, तीसरा स्थान भारत का। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, विश्व की 57% वैसे भारत में पाई जाती है, विश्व की 17% गाय भारत में पाई जाती है और स्थान दूसरा है। उसके बाद में विश्व की 31% बकरियां भारत में पाई जाती है और दूसरे स्थान पे है। विश्व की जो भेड़ों में स्थान की संख्या बात करें तो तीसरा स्थान है भेड़ों की संख्या में। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था कि जो कुल दूध उत्पादन था, जो अपने भारत का कुल दूध उत्पादन में, उस दूध उत्पादन में किस पशु का कितने प्रतिशत योगदान रहता है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा पूरे दूध उत्पादन के अंदर, फुल जो मिल्क प्रोडक्शन है अपना, टोटली मिल्क प्रोडक्शन, उसके अंदर 52% जो है वो बुफेलो यानी भैंसों का योगदान है। तो पूरे दूध उत्पादन के अंदर 52% दूध है वो भैंसों द्वारा उत्पादित किया जाता है। उसके बाद में 45% गाय द्वारा और लास्ट जो 3% रहा वो स्मॉल रूमिनेट यानी भेड़ और बकरी द्वारा। तो दोबारा देख लो दोस्तों एक बार, अगर बात करें कुल दूध उत्पादन, तो पूरे दूध उत्पादन में 52% योगदान भैंसों का रहेगा, 45% गाय का रहेगा और 3% स्मॉल रूमिनेट मतलब है अपनी जो बकरी और भेड़ है उनका रहेगा। दोस्तों नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ, जो पशु है उनको किस किस कैटेगरी में विभाजित किया गया है और क्यों किया गया है। आपने एक नाम सुना होगा आमाशय, जो अपने पेट के अंदर स्थित होता है, जिसे अपने स्टोमच कहा या स्टोमच बोलते हैं। दोस्तों आमाशय के 4 पार्ट होते हैं, या आमाशय 4 भाग में विभाजित होता है। पहला उसका भाग होता है रूमेन, पहला पार्ट होता है रूमेन, दूसरा पार्ट होता है इसका रेटिकुलम और तीसरा पार्ट होता है ओमेजम, चौथा भाग होता है एबोमेजम। आमाशय के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, पहला भाग रूमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेजम, चौथा ओबोमेजम। इसके आधार पे पशुओं को बांटा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रूमेन की विशेषता बताता हूँ। रूमेन स्टोमच या आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद में दूसरी विशेषता इसकी है, रूमेन सबसे बड़ा भाग होता है भोजन का संग्रहण। मतलब जब पशु भोजन खाता है तो सबसे पहले पशु के रूमेन भाग में उस भोजन का संग्रहण होगा। वहाँ पे प्रोटोजोआ और बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, इस भोजन का पाचन करते हैं। इसके बाद में नवजात बच्चों में ये क्या होता है, अल्प विकसित एब्सेंट नहीं होता, ध्यान देना इस बात का। नवजात बच्चों के अंदर यह अल्प विकसित होता है, न कि एब्सेंट रहता है। तभी हम नवजात जो बच्चा होता है गाय या भैंस या भेड़ या बकरी का, उसको क्या करते हैं, खींच पिलाते हैं। शुरू के दिनों में खींच पिलाई जाती है, क्योंकि उस समय जो रूमेन भाग है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है और उसके अंदर भोजन का पाचन नहीं होता। अब बात करेंगे रेटिकुलम की 2 ही विशेषता याद रहेगी, या आप 2 ही विशेषता याद रखना। सबसे पहले यह सबसे छोटा भाग स्टोमच या आमाशय का सबसे छोटा भाग कौन सा है, रेटिकुलम। उसके बाद में बात करता हूं मैं, जो रेटिकुलम है इसकी आकृति होती है हनीकॉम, मतलब मधुमक्खी के छत्ते के समान। ठीक है, इसकी 2 ही विशेषता है रेटिकुलम की। एक तो यह है आमाशय या
जो अपना स्टोमच है इसके मतलब सबसे छोटा भाग है, और दूसरी विशेषता मधुमक्खी के छत्ते के समान या आकृति किसकी होती है, तो वो होती है रेटिकुलम की। अब दोस्तों बात करेंगे ओमेजम की। ओमेजम दोस्तों मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है हर एग्जामिनेशन, चाहे आप एग्रीकल्चर में प्री पीजी का लो, पीएचडी का लो, डबल ए ओ एओ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन रहता है। इसके अंदर क्वेश्चन क्या पुट आउट करता है, पहला क्वेश्चन ये पुट आउट करेगा ऊंट का आमाशय या ऊंट का पेट कितने भाग में विभक्त होता है। तो दोस्तों हमेशा ही ऊंट का पेट या जो स्टोमच रहता है, आमाशय रहता है, वो तीन भाग में विभाजित रहता है, पहली बात ये याद रखना। दूसरी बात जो ओमेजम है वो पूछेगा कौन सा भाग एबसेंट होता था, वो होता है ओमेजम। कितने भाग पाए जाते हैं ऊंट के पेट में, तीन, और कौन सा नहीं पाया जाता वो होता है ओमेजम। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरी दृष्टि से। नेक्स्ट अब बात करते हैं एबोमेजम की, इसे ट्रू स्टोमच भी बोलते हैं या सत्य आमाशय। सत्य आमाशय क्वेश्चन आए, निम्न में से सत्य अमाशय या ट्रू स्टोमच किसे कहा जाता है, तो वो होगा आपका एबो ओमेजम। ठीक है, तो इसके आधार पे दोस्तों पशुओं को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, आगे आपको अलग अलग उनका बताऊंगा। एक चीज ये भी ध्यान रखना, जो रुमेन है इसके अंदर ही भोजन का संग्रहण हुआ, यहीं पे क्या है बैक्टीरिया वगैरह कार्य करते हैं, तो वो क्या भोजन पाचन का, और नॉन रूमिनेंट्स के अंदर करते हैं एंजाइम्स, तो वो अभी मैं आपको डिस्क्राइब करूं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल मतलब अब स्टोमच या आमाशय के आधार पे पशुओं को तीन भाग में विभाजित किया गया। एक तो है रूमिनेंट्स, ठीक है, रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स। दूसरा होता है जी नॉन रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट, और तीसरा होता है स्यूडो रूमिनेंट, स्यूडो रूमिनेंट। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे रूमिनेंट्स पशु कौन कौन से होते हैं। मैंने बताया था अभी अमाशय के चार भाग, तो अमाशय या स्टोमच के चारों भाग जिसमें प्रेजेंट होंगे या उपस्थित होंगे वो पशु किस में आएंगे, रूमिनेंट के अंदर आएंगे। जिन पशुओं के अंदर अमाशय या उसका स्टोमच है वो चार भाग में विभाजित हैं, चारों भाग उसमें प्रेजेंट हैं, वो सभी पशु किस में आएंगे, रूमिनेंट के अंदर आएंगे। और इसके एग्जांपल बताता हूं दोस्तों, काउ यानी गाय, बुफेलो, शिप और गोट, मेनली ये चार पशु है ये रूमिनेंट पशु में आएंगे। इसके अलावा आपकी नील गाय होगी, जिराफ है, वो भी इसके अंदर काउंट होती है। अब एक क्वेश्चन ये भी पुट आउट कर सकता है कि जो रूमिनेंट पशु है, इन्हें हिंदी में बोलते हैं जुगाली करने वाले, जुगाली करने वाले, जुगाली करने वाले, और नॉन रूमिनेंट जुगाली नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था, जो पशु है जुगाली करने वाले पशु होते हैं वो प्रतिदिन कितने घंटे जुगाली करते हैं। दोस्तों इसका आंसर है 8 घंटे या 8 hours। जुगाली करने वाले पशु प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे जुगाली करते हैं, और कम से कम उनके अंदर 150 से लेके 200 लीटर लार पर डे उनके अंदर बनती है। ठीक है, तो रूमिनेंट के अंदर ये चार आपके मोस्ट रहेंगे। इसके बाद में अगर बात करें भाई रूमिनेंट पशुओं के अंदर भोजन का पाचन का या पाचक का कार्य कौन करता है, तो दोस्तों ध्यान देना इसमें काम करेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, दोनों क्या करेंगे भोजन का पाचन करेंगे। रूमिनेंट पशुओं के अंदर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के द्वारा भोजन का पाचन होता है। इसके अलावा अब बात करेंगे नॉन रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट के अंदर एक मेन पार्ट पाया जाएगा कौन सा, एबो ओमेजम, अमाशय का एबो ओमेजम जो भाग है वो किसमें पाया जाएगा, नॉन रूमिनेंट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, और तीन भाग होते वो नहीं पाए जाते, इसीलिए इसे क्या सत्य अमाशय भी बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल है आपका घोड़ा, गधा, कुत्ता यानी डॉग, बिल्ली, सुअर,
बंदर जो भी हैं जो जुगाली नहीं करते वो किसके अंदर आएंगे, एबो ओमेजम के अंदर। और अपने मनुष्य, मनुष्य भी किसके अंदर आते हैं, नॉन रूमिनेंट पशुओं के अंदर गिने जाते हैं, जुगाली करने वाले में नहीं होते। अब बात करते हैं शुडो रूमिनेंट। शुडो रूमिनेंट में मुख्यतः केमेलिडी, जो केमेलिडी कुल है या फैमिली है, उसके पशु या पशुओं को गिना जाता है। और इसमें मैंने पहले बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, इन केमेलिडी कुल के जो पशु है उनका स्टोमच या आमाशय तीन भाग में विभक्त होगा, और कौन सा भाग एब्सेंट होगा, मैंने बताया था ओमेजम। ओमेजम जो भाग है वो भाग है अनुपस्थित होगा। तो ये अपना मोस्ट एंड मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये दो रहेंगे आपके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद में एग्जाम्पल इसका ऊंट हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल है लामा, दोनों किस में आएंगे, शुडो रूमिनेंट में। और इसमें अगर बात करें भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है नॉन रूमिनेंट्स के अंदर, तो वो होगा एंजाइम द्वारा। एंजाइम द्वारा मनुष्य में भी एंजाइम द्वारा होता है, इसीलिए अपने किस में काउंट होते हैं, नॉन रूमिनेंट्स के अंदर। तो दोस्तों ये था अपना एक क्लासिफिकेशन, भाई पशुओं को किस आधार पे बांटा गया है, रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट और शुडो रूमिनेंट, तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। किसके आधार पे किया गया, आमाशय या स्टोमच के आधार पे किया गया है। रूमिनेंट्स के अंदर कौन कौन आएंगे, जिसमें स्टोमच के चारों भाग उपस्थित हो, कौन कौन से, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो वो किस में अंदर आएंगे, रूमिनेंट्स। एग्जाम्पल मैंने बता दिया गाय, भैंस, भेड़, बकरी, नीलगाय और आपकी जिराफ, ये इसके अंदर आते हैं। और इसमें पाचन कौन करता है रूमिनेंट के अंदर, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ करेंगे। नॉन रूमिनेंट के अंदर स्टोमच का एक भाग प्रेजेंट रहेगा, कौन सा, एबो ओमेजम, इसीलिए इसे ट्रू स्टोमच बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या रहेगा, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, बंदर और मनुष्य की बात करें तो वो भी नॉन रूमिनेंट के अंदर गिने जाते हैं। अब बात करते हैं नॉन रूमिनेंट यानी बिना जुगाली करने वाले पशुओं में पाचन कौन करता है, तो वो करता है जी एंजाइम करते हैं। लास्ट बात करेंगे शुडो रूमिनेंट। शुडो रूमिनेंट के अंदर स्टोमच का एक भाग एब्सेंट होता है, कौन सा, ओमेजम। और जो स्टोमच होता है कितने भाग में डिवाइड हुआ, तीन भाग में। इसके अंदर मुख्यतः केमेलिडी कुल के पशु आते हैं, और एग्जाम्पल रहा ऊंट और लामा। तो दोस्तों यह छोटा सा क्लासिफिकेशन था। इसके बाद में बात करेंगे अपने नस्लों की। वर्तमान समय में भारत के अंदर कितनी, किस पशु की मान्य प्राप्त है नस्लें हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पुट आउट किए जाते हैं, इस प्रकार के मान्य प्राप्त नस्लें। दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं, जो भारत के अंदर नस्लों को मान्यता कौन प्रदान करता है, तो वो है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, NBAGR। कहाँ पे स्थित है NBAGR, स्थित है जी करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा। और दोस्तों बात करें पशुपालन की दृष्टि से, करनाल हरियाणा के अंदर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI उपस्थित है, जिसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी। तो दो इंस्टीट्यूट करनाल में है, कौन कौन से, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे, करनाल में। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, प्लांट का पूछ लिया जाए, पौधों का पूछ लिया जाए, तो दोस्तों यह स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली। और एनिमल का करनाल में, प्लांट का पौधों का नई दिल्ली में। और करनाल के अंदर दूसरा एनडी अपने एलपीएम की दृष्टि से इंस्टीट्यूट है, कौन सा, NDRI। एक इंस्टीट्यूट और बताता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये है जी आनंद गुजरात, आनंद गुजरात में। इसकी स्थापना सन 1965 में हुई थी। तो दोस्तों ये तीन महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट थे, थोड़ा दिमाग में रखना। तो मैं बता रहा था आपको, जो मान्य प्राप्त नस्लें हैं वो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल हरियाणा के द्वारा पशुओं को मान्यता प्रदान की जाती है। भी हाँ, ये पशु इस क्षेत्र में काफ़ी समय से पाया जा रहा है, इसके प्रमाण मिले हैं, इसकी उत्पत्ति यहीं पर, तो उसके आधार पर ये उनको मान्यता देता है। सबसे पहले बात करेंगे जो पशु है, कौन सा पशु या एनिमल, और उसकी नस्लें कितनी वर्तमान में मान्य प्राप्त नस्लें। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा मैं गाय की। गाय की वर्तमान में 41 मान्य प्राप्त नस्लें भारत के अंदर है, इससे पहले 28 थी, वर्तमान में 41 है। अब बात करेंगे भैंस। भैंस की वर्तमान समय में 13, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अनुसार
13 भैंस की मान्य प्राप्त नस्लें हैं। अब बात करेंगे भेड़, भेड़ की पहले 40 थी, अब वो 42 हो चुकी है, दो और मान्यता दे दी गई है। इसके बाद में बकरी, बकरी की पहले 20 मान्य प्राप्त नस्लें थी, लेकिन वर्तमान समय में 28 या 28। इसके बाद में सुअर, सुअर, सुअर को अगर याद रखना है तो सह से सात, ये लो जी सुअर की हुई 7। इसके बाद में ऊंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊंट की पहले 4 थी, वर्तमान समय में 9 है। उसके बाद में मुर्गी, मुर्गी की वर्तमान समय में 18 मान्य प्राप्त नस्लें हैं। इसके बाद में बात करें घोड़ों, घोड़ों की 6 है, गधे की 1 है, और मुख्यतः अपने यही नस्ल, गाय की 41 मान्य प्राप्त नस्लें, भैंस की 13, भेड़ की 42, बकरी की 28, सुअर की 7, ऊंट की 9 और मुर्गी की 18। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान समय में अगर जयपुर बोर्ड पेपर देता है तो शायद ऐसे टफ क्वेश्चन वो आपसे पुट आउट करेगा, तो इन क्वेश्चन का ध्यान देना, और ये डाटा आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। इसके बाद में गुणसूत्र की बात करें, किन पशुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र पशु और उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या या 2-1 की संख्या। दोस्तों अपने महत्वपूर्ण 4 या 5 ही पशु है जिनका अपने कंपटीशन में क्वेश्चन पुट आउट करेंगे, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस से बताता हूँ, सभी याद हो जाएंगे, ताकि भविष्य में भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो वो आपके काम आए। सबसे पहले बात करूँगा मैं बिल्ली की, बिल्ली या कैट, कैट के अंदर 38 गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। इसके बाद में सुअर, सुअर के अंदर 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद में खरगोश या रेबिट, खरगोश के अंदर 44, और खरगोश जैसा एक जानवर होता है हेयर, हेयर्स, और इसके अंदर पाई जाती है जी 48। थोड़ा मटमेला रंग का रहता है खरगोश, बिल्कुल सफ़ेद रहता है, बल्कि हेयर्स जो है दिखने में बिल्कुल खरगोश जैसा होता है, और कलर होता है वो मिट्टी जैसा या मटमेला रंग होता है। और ये भी विशेषता होती है, हेयर्स जो होता है वो अपने जन्म के 1 घंटे बाद में दौड़ना शुरू कर देता है, फिरना शुरू कर देता है, बल्कि खरगोश है वो 13 दिन तक उसकी आँखें नहीं खुलती है, तो इसकी वजह से वो 13 दिन तक कहीं चल फिर या डोल नहीं सकता। इसके बाद में मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ पे अपने कंफ्यूज होते हैं, वो है जी भैंस। भैंस को 2 प्रकार से विभाजित या डिवाइड किया गया है, एक होती है दलदली और दूसरी होती है जलीय भैंस, दलदली भैंस और जलीय। दलदली भैंस को अपने विदेशी भैंस कहते हैं और जलीय भैंस को अपने भारतीय भैंस कहते हैं। अगर क्वेश्चन पुट आउट कर ले दलदली भैंस का रंग कैसा होता है, तो मुख्यतः जो भूरे रंग की भैंस होती है उन्हें विदेशी या दलदली भैंस कहा जाता है, और जलीय भैंस है इनका मुख्यतः रंग काला होता है। दलदली भैंस के अंदर गुणसूत्र की संख्या 48 होगी और जलीय भैंस के अंदर गुणसूत्र की संख्या 50 होगी। अब बात करते हैं भेड़, भेड़ के अंदर गुणसूत्र की संख्या रहती है जी 54। अब 2 एनिमल है, गाय और बकरी, दोनों में समान रहेगी, गाय और बकरी के अंदर गुणसूत्र की संख्या 60। इसके बाद में बात करते हैं गधे, गधे के अंदर गुणसूत्र की संख्या 62 पाई जाती है, घोड़े के अंदर 64 होती है, घोड़े के अंदर 64 यानी 64। इसके बाद में बात करते हैं ऊंट, ऊंट के अंदर गुणसूत्र की संख्या 74 या 74 पाई जाती है। उसके बाद में लास्ट है जी कुत्ता, कुत्ता और मुर्गी, एक्चुअली में डॉग के अंदर 78 और मुर्गी के अंदर 77 और 78, 77 एंड 78। तो दोस्तों ये है सभी के अंदर गुणसूत्र किस पशु के अंदर कितने पाए जाते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बिल्ली, बिल्ली और कुत्ते के हमेशा दुश्मनी होती है, आप याद रखना, दोनों में दुश्मनी होती है, तो सबसे कम किस में, बिल्ली में, सबसे ज़्यादा कुत्ते में। बिल्ली में रहती है 38, सुअर के अंदर रहती है 40, खरगोश के अंदर रहती है 44, हेयर्स के अंदर रहती है 48। उसके बाद में भैंस, भैंस 2 प्रकार की मैंने बताया था डिवाइड की गई है, बांटी गई है, दलदली, कीचड़ में पानी कम होता है, पानी में पानी ज़्यादा होता है, तो कीचड़ में पानी कम होता है इसका मतलब कम किस में है, दलदली में है, और पानी में पानी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए 50 किस में हुए, जलीय भैंस में। इसके बाद में भेड़, भेड़ के अंदर 54 पाए जाते हैं गुणसूत्र, गाय और बकरी के अंदर 60 पाए जाते हैं, गधे के अंदर 62, घोड़े के अंदर 64, ऊँट के अंदर 74, कुत्ते के अंदर 78 और मुर्गी के अंदर 77 और 78। तो दोस्तों ये थे अपने क्रोमोसोम या गुणसूत्र नंबर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपने एग्जाम की दृष्टि से।
दोस्तों 5-6 टेबल एलपीएम के अंदर ऐसी है जिन्हें आपको कन्फर्म रटना पड़ेगा और उनमें से श्योर है 5-6 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। 5-6 टेबल है वो दोस्तों, सारी टेबल करवाऊंगा और उसके अंदर कन्फर्म 5 या 6 क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिलने वाले हैं, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन है जो इन टेबल में से 90% पूछा ही जाता है। सबसे पहले दूसरी टेबल बनवा रहा हूं मैं, इसके बाद में बात करते हैं अपने गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल की, पशुओं का गर्भकाल थोड़ा बेसिक करवा देता हूँ, उसके बाद में नस्लें, नस्लों की विशेषता, कितने गुणसूत्र, क्या उनकी पोजीशन है राजस्थान में, भारत में, विश्व में, जो भी है करवाएंगे। तो गर्भकाल यहाँ पे पशु और किस पशु के अंदर कितनी दिनों का जो गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल रहता है। सबसे पहले बात करता हूँ छोटे एनिमल से लेके, चलो सभी के याद हो जाएंगे। सबसे कम रहता है जी चूहे का, चूहे का गर्भकाल वो रहता है 21 दिन का। उसके बाद में बात करते हैं बिल्ली और कुत्ते का, डॉग का, इनका रहता है जी 60 यानी 2 मंथ। चूहे का 21 दिन, बिल्ली और कुत्ते का 60 दिन। इसके बाद में मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी अपने लिए सुअर, सुअर का गेस्टेशन पीरियड रहता है 114 यानी 114 दिन। दोस्तों एक बार एग्जाम में इसका ये आंसर नहीं देके उसे दे दिया था 3 मंथ 3 वीक एंड 3 डे। दोस्तों ऐसा आंसर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दे सकता है, नेट 2015 में ये आंसर दिया हुआ था, उसने क्या कहा 3 मंथ, 3 मंथ में दिन 90, 3 वीक में 21 + 3 = 114। तो ऐसा क्वेश्चन भी वो आपको दे सकता है। इसके बाद में बात करेंगे गाय, गाय की गर्भकाल अवधि होती है जी 279 से लेके 282 दिन। ब्रैकेट में अगर बात करें तो 9 मंथ और 9 डेज, 9 महीने 9 दिन, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं भैंस, भैंस की गर्भकाल अवधि होती है 310 दिन, मतलब 10 मंथ 10 दिन। दोस्तों ये मंथ भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज करने का क्वेश्चन देगा तो वो सीधा मंथ दे देगा, न कि आपको डायरेक्ट दिन देगा। इसके बाद में भैंस के अंदर अगर बात करें विदेशी या दलदली भैंस की, तो दोस्तों हमेशा ही ध्यान देना दलदली भैंस की गर्भकाल अवधि 340 से लेके 345 दिन रहती है। नॉर्मल अगर बात करें, अपने से क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा भैंस की गर्भकाल अवधि कितनी होती है, तो 310 दिन एक्यूरेट होगा। अगर बात करें स्पेशल दे दिया जाता है भी हाँ दलदली भैंस की गर्भकाल अवधि कितने दिन होती है, तो वो रहेगी दोस्तों 340 से 345 दिन। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ऊंट का, ऊंट की गर्भकाल अवधि होती है 390 से लेके 410 दिन, 390 से लेके 410 दिन। और सबसे ज़्यादा जो गर्भकाल अवधि रहती है वो रहती है हाथी की, हाथी की रहती है जी 21 मंथ, 21 मंथ किसकी रहती है हाथी की। दोस्तों एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सबसे कम चूहे की 21 दिन गर्भकाल अवधि, उसके बाद में बिल्ली और जो बीच यानी जो कुत्ते हैं उनकी 60 दिन यानी 2 महीने होगी, सुअर की 114 दिन यानी 3 महीने 3 वीक और 3 दिन हो गया, गाय की रहती है 279 से लेकर 282 दिन, 9 महीने यानी 9 दिन। उसके बाद में भैंस की बात करते हैं, भैंस का रहता है 310 दिन यानी 10 मंथ और 10 दिन। उसके बाद में अगर ये क्वेश्चन दे दलदली भैंस, दलदली भैंस की गर्भकाल अवधि रहेगी 340 से लेकर 345 दिन, और ऊंट की गर्भकाल अवधि रहती है 390 से लेकर 410 दिन, और लास्ट सबसे ज़्यादा रहती है हाथी की, हाथी की गर्भकाल अवधि होती है 21 महीने। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसा लगा आपको वीडियो और सर ने आपको कैसा पढ़ाया कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एक शेयर में आपका कुछ नहीं जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये हमारी जिम्मेवारी है कि आपको सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से हम दिलवाएंगे, और इस सब्जेक्ट में नहीं हॉर्टिकल्चर हो चाहे आपका सोयल साइंस हो, एग्रोनॉमी हो, हर सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन आपको यहीं प्रोवाइड हम करवाएंगे। धन्यवाद।